डाउट नेट पर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी बच्चे अपने घरों पर एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो बच्चों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से डाउट नेट के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर बच्चों हम स्टार्ट करने वाले एक न्यू चैप्टर जो कि है बच्चा आपका बहुलक। ओके, बहुलक जिसे इंग्लिश में कहा जाता है बच्चों पॉलीमर। ओके, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार है। एक एक बात आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, एक एक बात को आप अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान, बहुत ज्यादा आसान चैप्टर है बच्चों। आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी बच्चा इस चैप्टर में। ओके, बस आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहें, एक एक बात को अच्छे से समझते रहें। कहीं भी कोई डाउट आता है बच्चा बेझिझक कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज ड्रॉप करें, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी मैसेज हो बच्चा आप अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। ओके जी, और आइए बात करें इस चैप्टर के बारे में कि बहुलक है क्या। बच्चों बहुलक वाला चैप्टर अगर हम देखें तो यहां पर बात की जाए बहुलक, अगर देखा जाए तो हम चारों ओर बहुलकों से घिरे हुए हैं। जैसे कि ये प्लास्टिक का पेन, ये पोल प्लास्टिक से बना हुआ है जो भी अपने आप में एक बहुलक है। ठीक है, मोबाइल फोन उसका कवर वो प्लास्टिक है, वो अपने आप में बहुलक है। प्लास्टिक, प्लास्टिक जगह जगह प्लास्टिक है। रबर अपने आप में एक बहुलक होता है, क्लियर है। बहुत सारे आइटम ऐसे हैं जो कि प्लास्टिक से बनाए जाते हैं, रबर से बने होते हैं। आपके गाड़ी के टायर से लेकर के आपके पैरों के शूज, स्लीपर्स, वो सब कहीं ना कहीं रबर से बने हुए हैं, मतलब जो कि एक बहुलक है। ओके, कहीं ना कहीं हम सब तरह से बहुलकों से घिरे हुए हैं। आपके घरों में यूज किए जाने वाले पैरदान, गलीचे, ये सब बहुलकों से बने हुए हैं बच्चों। ठीक है, पॉलीथीन वगैरह ये सब बहुलक है। ओके, तो आप इससे घिरे हुए हैं, क्रोकरी आइटम्स हो गए, ठीक है ना, ये बहुलकों से बने होते हैं। ओके, तो आइए बात करें ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, कितना आसान है और क्या क्या बातें हैं जो हमें इसके अंदर देखनी है। बच्चों पहली बात कही जाए ना, तो ये चैप्टर बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान। आपको इस चैप्टर में कुछ बातें ध्यान रखनी है जो ये एग्जाम में पूछी जाती है। ओके, पहली बात, इस चैप्टर से क्वेश्चन क्या बनते हैं, इसमें क्वेश्चन आते हैं कि भैया ये बहुलक किससे मिलकर बना होता है, उस एकलक इकाई का नाम बताओ, या इस बहुलक के क्या क्या उपयोग होते हैं, या इनमें से बताओ कौन सा किस प्रकार का बहुलक है। बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बच्चा इसमें, क्लियर है। तो सब क्वेश्चन आप इजीली क्लियर कर सकते हो। आइए बात करें इसमें हम क्या करेंगे। इसमें बच्चों हम पढ़ेंगे सबसे पहले तो परिचय, एक बेसिक इंट्रोडक्शन के, यहाँ बहुलक होता क्या है, पॉलीमर है क्या। फिर बहुलकों का वर्गीकरण देखेंगे कि बहुलकों का वर्गीकरण कैसे कैसे हम कर सकते हैं, और फिर कुछ फेमस बहुलक हम एक साथ देख लेंगे। ओके, कुछ महत्वपूर्ण बहुलकों का विरचन ये हम देखेंगे बच्चों। बहुत ही शानदार है, बहुत ही प्यारा ये टॉपिक है बच्चों। आपको इस प्यारे टॉपिक को बहुत अच्छे से देखना है, एक एक बात को क्लियर करना है। कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आए बेझिझक बच्चों आप पूछिएगा, मैं जरूर बताऊंगा। हाँ जी, अब देखो ध्यान से बात आती है, सर इस चैप्टर को अपन पढ़ने वाले कैसे हैं। बच्चों देखो ये चैप्टर टोटली थ्योरेटिकल है, ये चैप्टर टोटल ही थ्योरेटिकल है। ओके, बहुत आसान आसान भाषा में कुछ बातें हैं जो हमें देखनी है और क्लियर करनी है। जहां पर मुझे लगेगा कि हाँ यार आपको यहां पर मुझे लिखवाने की जरूरत है, पेपर में ये पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वहां मैं आपको जरूर लिखवाऊंगा बच्चों, टेंशन ना ले। बहुत आसान है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। ओके, और इसमें थ्योरी बहुत ज्यादा है, तो हम उनसे बचेंगे और अच्छे से एक एक बात को अच्छे से क्लियर करेंगे, जिससे कि आप कम टाइम पर इस टॉपिक को अच्छे से समझ सके और इजिली क्लियर कर सके। ओके, आइए बात करें सबसे पहले बहुलक क्या होता है। ओके, और किस प्रकार से बहुलक बनता है, ये तमाम बातें बच्चों इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो देखो ध्यान से, आज हम क्या करेंगे, परिचय पढ़ लेंगे, बहुलकों का वर्गीकरण पढ़ लेंगे, और कुछ महत्वपूर्ण बहुलकों के विरचन का अभिक्रिया हम देखेंगे। तो बच्चों देखो, बात की जाए सबसे पहले बहुलक। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि सर बहुत सारा लिखा हुआ है, हमें तो समझ में ही नहीं आता है। अरे एक बार पढ़ के देखो, सब कुछ समझ में आएगा बच्चों। सबसे पहली बात तो बहुलक होता क्या है। बहुलक बहुत सारे अणुओं से मिलकर बना हुआ यौगिक बहुलक कहलाता है।
बहुत सारे अणुओं से मिलकर बना हुआ यौगिक बहुलक कहलाता है। ठीक है, जैसे कि मकान ईंटों से मिलकर बना होता है, एक ईंट का वजन पूरे मकान की तुलना में क्या है, नगण्य है, हाँ ना, लेकिन पूरे मकान का वजन एक ईंट की तुलना में बहुत ज्यादा है। तो अगर ईंट को मैं एकलक बोल दूं तो पूरे मकान को मैं बहुलक बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? तो क्या एक ईंट की तुलना में उस मकान का वजन बहुत ज्यादा होगा, वृहत अणुभार होगा उसका, वृहत का मतलब बहुत ज्यादा अणुभार होगा उस एक ईंट के मुकाबले, हाँ या ना। तो वही बच्चा यहां पर बहुलकों के बारे में कहा जाता है। बहुलकों को इंग्लिश में कहा जाता है बच्चा पॉलीमर, पॉलीमर, पॉली प्लस मर। पॉली का मतलब होता है अनेक, पॉली का मतलब अनेक, और मर का मतलब इकाइयां। तो वह यौगिक जो कई सारी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं उन्हें कहा जाता है बहुलक, उन्हें क्या कहा जाता है, बहुलक, जिनका अणुभार बहुत ही ज्यादा होता है। अगर हम कहें तो यहाँ पर लिखा हुआ है 10^3 से लेकर 10^7 यूनिफाइड, यूनिफाइड बेटा द्रव्यमान की एक इकाई होती है, द्रव्यमान की एक इकाई होती है। तो बच्चों देखो ध्यान से, जब क्या होता है कई सारे छोटे छोटे अणु मिलकर एक वृहत अणुभार वाले यौगिक का निर्माण करते हैं, उसी वृहत अणुभार वाले यौगिक को कहा जाता है बच्चा बहुलक। और जिस प्रक्रिया के द्वारा छोटी छोटी इकाइयां आपस में जुड़ती है और बहुलक बनाती है, उस प्रक्रिया को कहा जाता है बहुलक के निर्माण की प्रक्रिया, बहुलीकरण प्रक्रिया, बहुलीकरण, पॉलीमराइजेशन। आओ जरा बात करें, बहुलक, पॉलीमर शब्द दो ग्रीक शब्दों पॉली अर्थात अनेक, मर मतलब इकाई। तो जिसका निर्माण अथवा भाग से हुई है, इकाई या भाग, तो बहुलक वहत अणु की तरह परिभाषित किया जाता है जिसका द्रव्यमान अति उच्च होता है, इन्हें वृहद अणु भी कहा जाता है, इन्हें वृहद अणु भी कहा जाता है। तो कहने की बात यह है बहुलक उच्च अणुभार वाला वह यौगिक है जिसका निर्माण एक या अधिक प्रकार के छोटे अणुओं से मिलकर होता है, छोटे अणुओं को कहा जाता है एकलक, छोटे अणुओं को क्या कहा जाता है, एकलक कहा जाता है, उनसे होता है, तो वो कहलाता है बच्चों आपका बहुलक, वह कहलाता है आपका बहुलक, पॉलीमर। तो बहुलक क्या है, वृहत अणुभार वाले वे यौगिक हैं जिनका निर्माण कई एक या एक से अधिक प्रकार के छोटे छोटे अणु, उन्हें कहा जाता है एकलक। बहु एकलक क्या होता है, जिससे मिलकर बहुलक बनता है वो एकलक कहलाता है। बहुलक क्या होता है, एकलक से मिलकर बनने वाला वृहत अणु बहुलक कहलाता है, क्लियर है। और जिस प्रक्रिया के द्वारा इसका निर्माण होता है वह कहलाता है बहुलीकरण, पॉलीमराइजेशन। तो देखो ध्यान से, बहुलीकरण क्या होता है या बहुलकन क्या होता है, जब छोटे छोटे अणु मिलकर एक वृहत अणु का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को बहुलकन कहलाते हैं, इस प्रक्रिया को बहुलकन कहते हैं। क्या दिक्कत है इसमें मुझे बताओ, ऐसी कौन सी बात है जो आपको समझ में नहीं आई बच्चा, यहाँ पर ऐसी कौन सी बात है जो आपको यहाँ पर समझ में नहीं आई, क्लियर है। तो बहुलक समझ आया, बहुलीकरण समझ आया, एकलक समझ आया, एकलक वह छोटी छोटी इकाइयां जिनकी बार बार पुनरावृत्ति होने से बहुलक बनता है, एकलक कहलाता है। बहुलक क्या होता है, बहुलक दो, बहुलक पॉलीमर दो शब्दों से बना है, पॉली प्लस मर, पॉली का मतलब अनेक, मर मतलब इकाइयां या भाग। तो जिसका निर्माण कई सारी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर होता है वो कहलाता है बहुलक, बहुलीकरण जिस प्रक्रिया के द्वारा इसका निर्माण हो। अब अगली बात, ये बहुलक किस प्रकार से वर्गीकृत किए जा सकते हैं, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। तो अब हम बात करेंगे बहुलकों का वर्गीकरण, बहुलकों का वर्गीकरण, हाँ जी, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। अब देखो ध्यान से, बहुलक यार सबसे पहले हम वर्गीकरण करेंगे बच्चों, ये कहां से मिले, इनकी उत्पत्ति का स्रोत क्या है, उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर, सोर्स के आधार पर, जहां से ये प्रकृति में अपने आप है क्या, जैसे कि स्टार्च, प्रोटीन, ये प्राकृतिक बहुलक है, कार्बोहाइड्रेट ये प्राकृतिक बहुलक है, कुछ हम लैब में बनाते हैं और कुछ होते प्रकृति के, हम उसमें थोड़ा छेड़छाड़ करके उनको थोड़ा नया लुक दे देते हैं, हाँ है ना। तो बच्चों देखो ध्यान से, प्राकृतिक स्रोत के आधार पर,
स्रोत के आधार पर, स्रोत के आधार पर। ये बहुलक तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बच्चा? तीन प्रकार के। कौन कौन से? प्राकृतिक बहुलक, दूसरे होते हैं बेटा संश्लेषित बहुलक, संश्लेषित या संश्लिष्ट, हाँ जी। तीसरा आपके होते हैं आपके अर्ध संश्लेषित बहुलक, अर्ध संश्लेषित बहुलक, अर्ध संश्लेषित बहुलक। एक होते हैं प्राकृतिक, दूसरे होते हैं संश्लेषित, और तीसरे होते हैं अर्ध संश्लेषित। क्या होते हैं? अर्ध संश्लेषित। क्या होते हैं? अर्ध संश्लेषित। अर्ध संश्लेषित बहुलक। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात क्लियर हो गई? तो ये होते हैं स्रोत के आधार पर कि भैया इनकी उत्पत्ति का सोर्स क्या है, इनकी उत्पत्ति का सोर्स क्या है। प्राकृतिक नेचुरल, सिंथेटिक लैब में बनाए हुए संश्लेषित, और अर्ध संश्लेषित सेमी सिंथेटिक, जो होते तो नेचुरल है जिसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके हम मार्केट में बेच देते हैं। अब देखो ध्यान से, दूसरा दूसरा संरचना के आधार पर, आणविक संरचना के आधार पर, आणविक ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उनकी संरचना कैसी है, क्या रेखीय है या शाकित है या बहुत अच्छे से गुथे हुए हैं। तो बेटा देखो ध्यान से, इनके आधार पर तीन प्रकार के रैखिक बहुलक, रैखिक बहुलक बिल्कुल सीधी रेखा है, ठीक है। दूसरा शाखित, जिनसे थोड़ी बहुत शाखाएं निकली, शाखित बहुलक। तीसरे होते हैं आपके तिर्यक बहुलक, तिर्यक या जाल क्रम, अच्छी तरीके से गुथे हुए जाल क्रम बहुलक, क्लियर है। तो रेखिक, शाकित और त्रियक जाल क्रम बहुलक। क्या ये मेरी बात समझ में आई? आणविक बलों के आधार पर, क्लियर हुआ बच्चा? आणविक बलों के आधार पर ये समझ में आया, क्लियर है। ओके, आणविक संरचना के आधार पर, सॉरी ये इसको केवल आप संरचना भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। संरचना के आधार पर तीन प्रकार के। अब देखो बच्चों यहां पर तीसरा, तीसरा आणविक बलों के आधार पर, कि यार जो एकलक इकाइयां मिल रही है उनके बीच में बल कितना अच्छा है, क्लियर। कोई रबड़ की तरह खिंच जाते हैं, कोई अच्छे से यूं हो जाए, कोई बिल्कुल रेशे नुमा धागे होते हैं ना, मजबूत लाइन नायलोन के रेशे बहुत मजबूत होते हैं बेटा। तो देखो आणविक बलों के आधार पर एक होते हैं प्रत्यास्थ बहुलक, प्रत्यास्थ बहुलक बहुलक। दूसरे होते हैं बेटा रेशे, फाइबर, ये भी बहुलक ही होते हैं। तीसरे होते बेटा ताप सुघट्य, जो तापमान के हिसाब से ढाले जा सके। एक होते ताप दृढ़, एक बार ताप दे के पिघला दिया तो वापस से उनको पुरानी अवस्था में नहीं ला सकते हो। ताप सुघट्य, जिनको वापस से आप सेट कर सको, ताप सुघट्य। ताप सुघट्य अगला होता है ताप दृढ़, ताप दृढ़ बहुलक। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई क्या बच्चा? तो पहला पहला कौन सा? प्राकृतिक मतलब उत्पत्ति के आधार पर या सोर्स के आधार पर, स्रोत के आधार पर, ये तीन। फिर यहां पर आणविक संरचना के आधार पर, ये तीन।
बलों के आधार पर ये तीन। अब बहुलीकरण की प्रक्रिया के आधार पर, जो बहुलीकरण होएगा ना उसकी प्रक्रिया के आधार पर देखो ध्यान से, चौथा बहुलीकरण की प्रक्रिया के आधार ऑन दी मेथड ऑफ पॉलीमराइजेशन, कि बहुलीकरण किस प्रकार से उसमें होता है बेटा, दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं इसमें योगज बहुलक, एडिशन पॉलीमर, इसमें क्या होगा दो अणु सीधा ही जुड़ जाएंगे आपस में, कोई सरल अणु नहीं निकलेगा, एक एकलक दूसरे एकलक के साथ जुड़ेगा, फिर अगला वाला उसके साथ, फिर अगला वाला उसके साथ, उसके साथ, उसके साथ, उसके साथ, एक चेन बनाएंगे, ठीक है। इसमें कोई सरल अणु नहीं निकलेगा। जब एल्कीन के ऊपर HBr का योग होता है तो कुछ निकलता है कि नहीं, दोनों जुड़ जाते हैं, वैसे ही यहां पे जुड़ना होगा, ठीक है। योगज बहुलक, समझ में आया, क्लियर हुआ। अब देखो ध्यान से, यहां पर यह जो योगज बहुलक है इनके भी दो भाग होते हैं, इसके भी दो भाग होते हैं, एकलक इकाई के आधार पर, ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समबहुलक, जब एकलक इकाई एक ही हो, उसी का बार बार रिपीटेशन हो रहा हो, और सह जब दो अलग अलग एकलक इकाइयां हो, सह बहुलक। ठीक है, ये इसके दो प्रकार। अगला होता है बच्चों आपका संघनन बहुलक, अच्छा जो योगज बहुलक होता है बेटा इसको एक और नाम से जाना जाता है, श्रृंखला वृद्धि बहुलक। ठीक है, श्रृंखला चेन बढ़ती जाती है, और इसे संघनन बहुलक, इसको इंग्लिश में कहा जाता है कंडेंसेशन। इसमें दो अणु आपस, दो यौगिक आपस में जुड़ेंगे, उनसे जल निकल जाएगा। जैसे कि याद करो सुक्रोज, सुक्रोज में क्या होता था कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता था, जल निकलता था, फिर वो जुड़ जाएंगे। याद करो एमिलोस या एमाइलोपेक्टिन में, एमिलोस में क्या होता था, एक ग्लूकोज दूसरा ग्लूकोज से जुड़ गया, जल निकल गया, फिर वो वाला अगले वाले से जुड़ेगा, फिर वो वाला अगले वाले से जुड़ेगा, जल निकलेगा, फिर जुड़ेगा अगले से, फिर जल निकलेगा, फिर जुड़ता जाएगा। ऐसे दो अणु जुड़े, फिर जल निकल गया, फिर उनकी इच्छा एक और से जुड़ लो, फिर जल निकाल दो, फिर एक से जुड़ जाओ, पद बढ़ते जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप होता जाता है, ठीक है। इसलिए इसे पदाशय वृद्धि बहुलकती कहा जाता है। तो ये होते हैं बच्चों आपके कुछ प्रकार बहुलकों के बारे में। सबसे पहले दोबारा देख लो, सोर्स के आधार पर तीन प्रकार के, प्राकृतिक जो प्रकृति में अपने आप ही बनते हैं, दूसरे संश्लेषित जो हम लैब में बनाते हैं, तीसरे अर्ध संश्लेषित जो होते तो प्राकृतिक है उसमें थोड़ा बहुत हम करकुरा के नया बना देते हैं उनको, दूसरा आणविक बलों के आधार पर, आणविक बलों के आधार पर ये हो गया, आणविक बलों के आधार पर तीन प्रकार के, रैखिक, शाखित और तिर्यक बहुलक, ठीक है जी। रेखिक जिसमें बिल्कुल सीधी सीधी संरचनाएं हो, शाखित जिसमें थोड़ी बहुत शाखाएं भी निकल रही हो, तिर्यक या जालक्रम जो आपस में घुसा हुआ हो, अच्छे से गुदपुत हो रहा हो। आणविक बलों के आधार पर तीन प्रकार के, प्रत्यास्थ बहुलक जो खींचने पर फैल जाए, छोड़ने पर वापस पुरानी अवस्था आ जाए, रेशे धागेनुमा, ताप सुगट्टे तापमान के अनुसार इनको बदला जा सकता है वापस से पुराने रूप में, ठीक है। ताप दृढ़, भैया एक बार पिघल गए तो पिघल गए, ठीक है ना, उनको फिर फेविकोल से जोड़ोगे तुम, फेविक्विक से ही जोड़ोगे। अगला
बहुलीकरण की प्रक्रिया के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन। जब वो जुड़ते हैं तो कैसे जुड़ते हैं, दो प्रकार का, एक होता है योगज बहुलक और दूसरा होता है बेटा संघनन बहुलक। बस यही है चैप्टर का सार, खत्म हो गया चैप्टर। बस अब आपको क्या करना है, यही पढ़ना है योगज बहुलक कैसे बनते हैं, इसकी क्रियाविधि क्या होती है और उनके उदाहरण क्या होते हैं। बस इसमें संघनन बहुलक क्या होता है और उसके उदाहरण क्या होता है, चैप्टर खत्म। और एक अलग से पढ़ेंगे रबर का वल्कनीकरण, रबर का वल्कनीकरण कि रबर किस प्रकार से और अच्छे तरीके का क्वालिटी का रबर बनाया जाता है, वो हमें पढ़ना है। बस यही है सारा चैप्टर, खत्म हो गया चैप्टर। जिसमें क्लियर है बच्चा, कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। बस आपको जैसे जैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूं वैसे वैसे पढ़ता जाना है और नोट्स बराबर बनाते जाने। इस चैप्टर में से चार नंबर तो पक्के हैं, एक क्वेश्चन तो कम से कम आता ही है। क्लियर है, तो चार नंबर बहुत काम थी, बहुत कीमती है और हर एक बच्चा इस चैप्टर के क्वेश्चन लगा ही लेता है। हाँ जी, ये बात समझ में आ गई। अरे क्लियर हुआ क्या? तो सबसे पहले बात कर ले प्राकृतिक स्रोत के आधार पर, प्राकृतिक सोर्स के आधार पर। यहाँ पर ये तीन प्रकार थे बहुलकों का वर्गीकरण, स्रोत के आधार पर तीन प्रकार के, सोर्स के आधार पर तीन प्रकार के। कौन कौन से? प्राकृतिक नेचुरल बहुलक, नेचुरल पॉलीमर, दूसरा है अर्ध संश्लेषित सेमी सिंथेटिक, और तीसरे संश्लिष्ट सिंथेटिक। क्या मेरी बात समझ में आई बच्चा? एक एक बात, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर है? ओके, अब देखो ध्यान से आगे। अब बात करें यहाँ पर प्राकृतिक बहुलक, यह पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं। मतलब ये प्रकृति में पहले से ही है यार, स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया, सेल्युलोज हो गए, ये अपने आप में बहुलक ही तो है। पॉलीपेप्टाइड जिसमें बहुत सारी इकाइयां होती है, सेल्युलोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, ये बहुलक की तो है, प्राकृतिक बहुलक। ठीक है, जैसे कि देखो स्टार्च, सेल्युलोज, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन, प्राकृतिक रबर, ये सब प्राकृतिक है बच्चों, इसमें इंसानों का कोई योगदान नहीं है। अर्ध संश्लेषित होते तो प्राकृतिक है लेकिन इंसानों ने थोड़ा बहुत इनमें हेर फेर कर दिया, कुछ नया प्रकार बना दिया। जैसे कि सेल्युलोज, सेल्युलोज से आप सेल्युलोज नाइट्रेट बना सकते हैं, सेल्युलोज एसीटेट बना सकते हैं जो रेयन में इस्तेमाल किया जाता है धागा, और सेल्युलोज नाइट्रेट गन कॉटन में इसको यूज किया जाता है। देखो ध्यान से, इन्हें प्राकृतिक बहुलकों पर रासायनिक क्रियाओं से बनाया जाता है। आपने उसमें थोड़ा बहुत हेर फेर कर दिया। हाँ जी, सेल्युलोज एसीटेट रेयन और सेल्युलोज नाइट्रेट गन कॉटन, ठीक है ना, गन के अंदर बारूद का खोल, वो इसका ही बना होता है। ओके, अब आगे देखिए, इतनी बात समझ में आ गई। तीसरी बात, संश्लेषित बहुलक यह मानव निर्मित होते हैं, पूरी तरह से लैब में ही बनाते हैं इनको, पूरी तरीके से लैब में ही बनाते हैं। एक होता है बेकेलाइट, बेकेलाइट बोतल बनाने में, अच्छी अच्छी क्वालिटी की बोतल बनाने में बेटा बेकेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। पीवीसी पाइप, जो पाइपलाइन होती है ना, घर में पाइप लगाते हैं, मकान बनाते हैं तो नए नए प्लास्टिक के पाइप लेके आते हैं, अच्छे मजबूत वाले, ताकि पानी अच्छे से बहे। लोहे के पाइप तो खराब हो जाते हैं, जंग लग जाता है, प्लास्टिक के पाइप में जंग नहीं लगता। तो किसी को मारने में पाइक ले लो अच्छे से प्लास्टिक के, बढ़िया सुताई होगी उसकी। टेफ्लोन, टेफ्लोन होता है बेटा नॉन स्टिक कुकवेयर। आजकल ऐसे जो खाना बनाने के बेटा बर्तन आने लग गए जिनमें खाना नीचे चिपकता नहीं है, ठीक है, खाना चिपकता नहीं है, टेफ्लोन, नायलोन 6 या नायलोन 66, ये धागे होते हैं, रेशे होते हैं अच्छे मजबूत क्वालिटी के। जैसे वो नहीं देखा तुमने पैराशूट, पैराशूट की रस्सियां कितनी मजबूत होती है, ठीक है, बहुत मजबूत होती है बेटा, बहुत मजबूत। अगर आप उसको तोड़ना भी चाहोगे ना, हाथ में लाली पड़ जाएगी, टूटेगा नहीं वो, ठीक है। तो क्या ये बातें समझ में आई? अरे बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है बच्चा, ये बात किसी को पढ़ा दो सब समझ जाएगा, इसमें कोई नई बात है ही नहीं इसमें, ठीक है। प्राकृतिक बहुलक समझ में आया? अरे क्लियर है। अब अगला देखो, संरचना के आधार पर, किसके आधार पर? संरचना के आधार पर। तो संरचना के आधार पर इन्हें तीन भागों में बांटा गया। सबसे पहले रैखिक बहुलक, बहुत ही आसान है, इसमें एकलक इकाइयां सीधी श्रृंखला बनाती है। जैसे कि देखो ध्यान से, ये एकलक, ये दूसरा एकलक, तीसरा एकलक, चौथा एकलक, पांचलक, थोड़ा इसमें घुमाव आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं,
इस प्रकार से बहुलक बनाने, सीधी श्रृंखला, क्या ही दिक्कत है इसमें, बना सकते हैं ना, क्लियर है। जैसे कि इसका उदाहरण बताता हूं बेटा, यहां पर उच्च घनत्व वाली है, पॉलीथीन, मोटी पॉलीथीन और पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी इतना ही लिख लो, ठीक है। उदाहरण अगला, शाकित बहुलक, पहले इसके बारे में पढ़ लो। इनमें बहुलकों के अणुओं की बड़ी एवं सीधी श्रृंखला होती है, ये श्रृंखला एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित रहती है, अतः इनकी तनन सामर्थ्य एवं घनत्व अधिक होता है, ठीक है। मतलब एक परत, फिर उसके ऊपर दूसरी परत, फिर तीसरी परत, फिर चौथी परत, अच्छे से बढ़िया, अच्छे से तनन सामर्थ्य मजबूत रहती है और कोई गैप भी नहीं होता है बीच में, ठीक है, क्लियर है। ये रैखिक बहुलक, ऐसी एक संरचना, फिर इसी के ऊपर दूसरी संरचना, फिर तीसरी संरचना, ऐसे वैसे वैसे चलता जाता है। समझ आया क्या, समझ आया क्या, क्या लिखवाया मैंने कि इन बहुलकों में अणुओं की बड़ी एवं, देखो ये एक अणु, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे अणु जुड़ते जा रहे, सीधी श्रृंखला बना रहे, क्लियर है। अब शाकित में इनसे साइड में कोई ब्रांच भी निकली होती, तो देखो बहुलकों की बड़ी श्रृंखलाओं के पार्श्व पीछे में एकलक के अणुओं की अन्य शाखाएं होती है, इनका घनत्व कम होता है, क्योंकि बीच में यार शाखा आ जाएगी तो गैप आ जाएगा ना बीच में। देखो कम घनत्व वाली पॉलीथीन, कम घनत्व वाली पॉलीथीन, ये इसका उदाहरण है। मतलब होता क्या है, जैसे कि यहां पर ये एक एकलक इकाई है, इससे शाखा निकल रही है, फिर इधर भी शाखा निकल रही है, फिर यहां पे ऐसे शाखा निकल, ऐसे शाखाएं निकल रही, सीधी चल रही थी, ऊपर नीचे से शाखाएं निकलने लग गई, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपके पास क्या, ये हो जाएगी बच्चों आपके पास, ऐसे शाखा निकाल दो, ये हो जाएगी शाकित, ओके। अब देखो तिर्यक या जाल क्रम या तिर्यक बहुलक, इसमें क्या होता है, जैसे कि देखो ध्यान से, ये एक इकाई, ये दूसरी, इससे शाखा निकली हुई, उससे अगली वाली जुड़ी रहेगी, फिर अगली वाली, इस प्रकार से एक संरचना दूसरी से ऐसे जुड़ती जाएगी, जुड़ती जाएगी, क्या पता ये आगे भी अच्छे से आपस में जुड़ जाए, ऐसे ऐसे गुत जाती है, ठीक है। इनमें बहुलक के अणुओं की श्रृंखलाओं के मध्य अनेक सेतु बंद होते हैं, सेतु नहीं, सेतु बंद होते हैं, इस कारण यह अधिक कठोर होती है, अधिक कठोर होती है। ये दो या दो से अधिक क्रियात्मक समूह वाले एकलक अणुओं से मिलकर बनी होती है, ऐसे जिसमें दो या दो से ज्यादा क्रियात्मक समूह होते हैं वो एकलक इसमें हम लेते हैं, जिसमें, बेटा इस चैप्टर से आसान कोई दूसरा चैप्टर नहीं है, फॉर्मेल्डिहाइड, मेलामीन, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है ना, आदि, हाँ है ना। तो प्रत्यास्थ, इनमें बहुलक की श्रृंखलाएं आपस में दुर्बल अंतरणविक बलों से जुड़ी होती है, इनमें बल कैसे होते, दुर्बल होते हैं, आसानी से टूट जाएगा ये, या थोड़ा बल लगाओगे तो खिंच जाएगा, छोड़ दोगे वापस पुरानी अवस्था में आ जाएगा, ज्यादा खींच दोगे तो दो टुकड़े हो जाएंगे, क्लियर। यह दुर्बल बंधन बल बहुलकों को प्रत्यास्थ होने देता है, इसमें जो दुर्बल बल आता है ना, ये प्रत्यास्थता का कारण है, ये फैल जाते हैं अच्छे से, ठीक है। जैसे कि ब्यूना एस, ब्यूना एस बेटा ये रबर होता है, ब्यूना एस रबर, ब्यूना एन रबर और नियोप्रीन, ये भी रबर होते हैं, ये रबर है, रबर, रबर लिखने का, मिटाने का, ठीक है ना, ये अलग क्वालिटी के रबर है, मिटाने मिटाने के नहीं है, और भी नए कामों में याद है, टायर बनाने में, अच्छे क्वालिटी के रबर के आइटम बनाने में, ठीक है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाए, ब्यूना एस, ब्यूना एन और नियोप्रीन, ठीक है। रेशे, रेशे का मतलब होता है धागे, ठीक है, पैराशूट वाले धागे, रस्सियां, वो मजबूत होती है। रेशे एक प्रकार से धागे बनाने वाले ठोस है, ठीक है, ये बहुत ही अच्छी होते हैं, इन जिनमें उच्च एवं प्रबल अंतर आणविक बल पाए जाते हैं, प्रबल, उच्च एवं प्रबल
अंतरणविक बल पाए जाते। क्या कभी एक आपने जैसे कि चाइनीज मांजा देखा, इसको तोड़ के देखो और एक नॉर्मल मंजा तोड़ के देखो, टूट जाएगा नॉर्मल। चाइनीज तोड़ के देखो, हाथों में ना लाली पड़ जाएगी। तो वैसे ही बच्चों ये भी बहुत मजबूत होता है, ऐसा लगता है कि प्लास्टिक ही है। ठीक है, उदाहरण नाइलॉन 6-6, पॉलीएस्टर टेरिलीन। नाइलॉन 6-6 बहुत ही प्यारा कंपाउंड है बेटा, और टेरिलीन ये हम पढ़ेंगे, दोनों के दोनों बहुत ही गजब के कंपाउंड है। अच्छे से पढ़ाऊंगा, एक एक बात क्लियर करवाऊंगा। नाइलॉन 6-6 पॉलीएस्टर, समझ में आया क्या? तो यहाँ पर प्रत्यास्थ बहुलक क्या होते हैं? जिनमें प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है, जिनमें ज्यादा अच्छे आकर्षण बल नहीं पाए जाते, दुर्बल आणविक बल पाए जाते हैं, और इसमें प्रबल पाए जाते हैं। इसमें रबर आ जाएंगे, ब्यूना एस, ब्यूना एन, नियोप्रीन, इसमें आ जाएगा बेटा रेशे, धागे, नाइलॉन 6-6, नाइलॉन 6 भी होता है एक, और यहाँ पर ये आ जाएगा दूसरा टेरिलीन। क्या ये बात समझ में आई? अरे क्लियर है बच्चा, ग्रेट, बहुत बढ़िया। अब देखो ध्यान से यहाँ पर कुछ और इसके बाद दो, ताप सुघट्य पढ़ाया था मैंने आपको, ताप सुघट्य, ताप देने पे फैल जाए, ताप वापस से हटा लो तो वापस से पुरानी अवस्था में इनको ढाला जा सकता है। ठीक है, हाँ जी, यह रेखीय एवं लंबी श्रृंखला के अणु होते हैं जो गर्म करने पर मृदुल हो जाते हैं, ठंडा करने पर कठोर हो जाते हैं। ठीक है, गर्म कर दो के पिघल जाएंगे, ठंडा कर दो के वापस जम जाएंगे। ठीक है, ओके, जैसे कि पॉलीथीन हो गया, पॉलीस्टाइरीन हो गया, पॉलीविनाइल हो गया। ये नाम आप अभी नए नए सुन रहे हो, टेंशन ना लो, सबके बारे में पढ़ना है, एक एक चीज के बारे में पढ़ना है, बहुत आसान आसान जो है यार, कुछ नहीं है इस चैप्टर में, बस इन्हीं के बारे में पढ़ना है और चैप्टर खत्म, बस ये वाली बात है। ताप दृढ़ बहुलक, ये दृढ़ नाम से पता चल रहा है, अच्छे खासे गुथे हुए होंगे। यह बहुलक तिर्यक बल एवं अधिक शाखित अणु होते हैं, अधिक शाखित होते हैं। ओके, देखो इनका दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता, एक बार गर्म करने पे पिघल गया तो पिघल गया, अब जमेगा नहीं दोबारा, ठीक ठाक, टूट गया तो टूट गया। ठीक है, हाँ जी, जैसे कि बेकेलाइट, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, ठीक है ना, जैसे मेलामीन फॉर्मेल्डिहाइड होता है वैसे यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड भी होता है बच्चा, ये हम इन्हें कहते हैं ताप दृढ़ बहुलक, ताप दृढ़, ये ताप सुघट्य, सुघट्य मतलब तापमान के हिसाब से इनको ढाला, ताप सुघट्य मतलब सेटिंग की जा सकती है इनकी, दुर्बल ये ताप दृढ़ होते हैं। ठीक है, इनको कुछ नहीं कर सकते। एक बार विभिन्न बहुलकों के वर्ग में अंतर आणविक बलों का सही क्रम, सबसे मजबूत होते हैं ताप दृढ़, भैया बहुत अच्छा, अत्यधिक साकेत और तिर्यक बल होता है। दूसरे नंबर पे आते बेटा रेशे, इसमें भी मजबूत बल होता है, फिर ताप सुघट्य, और सबसे लास्ट में आते हैं प्रत्यास्थ, बहुत ही ढीले डाले। ठीक है ना, सबसे मजबूत तिर्यक बहुलक, फिर उससे रेशे, फिर उससे कम ताप सुघट्य, सबसे लास्ट में प्रत्यास्थ। ये समझ में आया? समझ में आया क्या? आपसे कहा जाए एक बेकेलाइट है, एक पॉलीथीन है और एक रबर है, सबसे मजबूत कौन होगा? बेकेलाइट, फिर पॉलीथीन, फिर आएगा रबर, समझ में आया? और नाइलॉन 6-6 हुआ तो बीच में आ जाएगा रेशे। क्लियर है, समझ में आया? तो ये है बच्चा यहाँ पर इनका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। क्या इनका? क्लासिफिकेशन। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात क्लियर है? एक एक पॉइंट समझ में आया, एक एक बात क्लियर है बच्चा? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उत्तम, बहुत ही आसान टॉपिक है बच्चा ये। अब इतनी बातें हो गई, क्लियर है? यहाँ पर ये हमने देख लिया, समझ आया, ये वाला पार्ट भी क्लियर। अब हम ये देखेंगे बहुलक के वर्गीकरण, मतलब बहुलीकरण के आधार पर, बहुलीकरण के आधार पर कितने प्रकार के ये होते हैं। तो देखो ध्यान से, योगज बहुलक, ये बहुलीकरण की प्रक्रिया के आधार, ठीक है, मैंने लिखवाया था आपको बहुलीकरण, प्रक्रिया के आधार पर, बहुलीकरण की प्रक्रिया के आधार पर सबसे पहले आता है योगज बहुलक, योगज बहुलक जिसे श्रृंखला वृद्धि बहुलक भी कहा जाता है। सुनो, अब इसमें लिखेंगे हम योगज बहुलक, एकलक अणुओं के पुनरावर्त योग से बनते हैं, इसमें उनका रिपीटेशन होता जाता है और बनते जाते हैं, इसमें कोई विलोपन नहीं होता, कोई भी विलुप्त नहीं होता बिना किसी प्रकार के विलोपन से बनते हैं। ठीक है, हाँ जी, अब अगली बात है, इनका निर्माण
मुक्त मूलक इनका निर्माण, मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया के द्वारा होता है, मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया के द्वारा होता है। योगात्मक मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया पढ़ा हुआ है बच्चों आपने, मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया, जैसे एल्किन के ऊपर HBr का योग वैसे ही यहां पर होता है, जैसा आपने पढ़ा होगा ना एल्किन के ऊपर HBr का योग परोक्साइड की उपस्थिति में, सेम वही रिएक्शन यहां पे आती है, ठीक है ना, वैसे ही कुछ आती है। तो देखो ध्यान से उदाहरण, एथीन से पॉलीथीन का निर्माण, एथीन क्या होती है बच्चा? सर बहुत ही आसान है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके बहुत सारे अणु, कितने अणु? N अणु, ये एथीन, ये है एथीन। जब एथीन के N अणु लिए जाते हैं और इनका बहुलीकरण करवाया जाता है, लेकिन कुछ उत्प्रेरक लेने पड़ते हैं। यहां पर बच्चों, यहां पर मैं उत्प्रेरक लेता हूं, ठीक है, यहां पे बहुलीकरण बाद में लिखेंगे, यहां पर मैंने उत्प्रेरक लिया परोक्साइड, बेटा यहां पे परोक्साइड लेते हैं हम, डाइबेंजोइल परोक्साइड, डाइबेंजोइल परोक्साइड, डाइबेंजोइल परोक्साइड, ये हमने लिया उत्प्रेरक और क्या करवा दिया? बहुलीकरण करवा दिया। अब सुनिएगा, जब बहुलीकरण होता है ऐसे कई सारी इकाइयां जुड़ती जाती है, जुड़ती जाती है। ये डबल बोन, ये नीचे वाला सिंगल बन, पाई दुर्बल होता है कि सिग्मा? सर पाई दुर्बल होता है, अक्षों के लंबवत अतिव्यापन से बनता है, तो पाई बंध टूट सकता है। तो बच्चों देखो ध्यान से, ये CH2, ये CH2 टूट गया, ये इधर फैल रहा है, वो उधर फैल रहा है, CH2 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 CH2, ऐसे अणु जुड़ते जा रहे, जुड़ते जा रहे, कितने? N लग गया। तो यहां पर अगर N अणु ये लोगे तो बेटा आपके पास ऐसी N इकाइयां मिलती जाएगी, पोली प्लस एथीन पॉलीथीन बन जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आएगी? अब देखो इसकी क्रियाविधि, ये कैसे होती है? मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया के द्वारा, ठीक है ना, मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया बोलो या क्रियाविधि बोलो, ठीक है जी, एक ही बात है, या यहां क्रियाविधि लिखो, ठीक है, क्रियाविधि। क्रियाविधि, ठीक है, ज्यादा सही रहेगा, क्रियाविधि लिख लेते हैं। ओके, तो आओ जरा देखें बच्चों इसके निर्माण की क्रियाविधि। हाँ जी, क्रिया कौन सी क्रियाविधि? मुक्त मूलक योगात्मक क्रिया। हाँ जी, याद हो बच्चों आपको, पढ़ा हो आपने, यह अभिक्रिया तीन पदों में संपन्न होती है। कितने पदों में? तीन पदों में संपन्न होती है। कैसे होती है? आओ जरा बात करें, यह अभिक्रिया निम्न तीन पदों में संपन्न होती है। यह अभिक्रिया निम्न तीन पदों में संपन्न होती है। कैसे होती है वो हम देख लेंगे जरा, समझ आया? यह अभिक्रिया निम्न तीन पदों में संपन्न होती है, निम्न तीन पदों में संपन्न होती है। कैसे होती है आइए जरा जाने इसके बारे में कि हाउ इट इज पॉसिबल। तो यहां पर बच्चों तीन पद, सबसे पहले होता है
सबसे पहले होता है श्रृंखला का प्रारंभ, श्रृंखला आरंभन पद, श्रृंखला आरंभन पद। श्रृंखला आरंभन, तो बच्चों याद है आपको श्रृंखला आरंभन में सबसे पहले क्या होता था कि सर ये जो डाइबेंजोइल परोक्साइड है ये टूटता है। अब इसका सर सूत्र तो बताओ, यहां बताता हूं, देखो ध्यान से। डाइबेंजोइल परोक्साइड होता है बेटा बेंजीन, फिर सीओ, फिर बीच में परोक्साइड बंद, फिर सीओ, फिर बेंजीन, ये होता है डाइबेंजोइल परोक्साइड, छोटा सा यौगिक डाइबेंजोइल परोक्साइड। जब इस डाइबेंजोइल परोक्साइड को हम क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो समांश बंध विखंडन होता है। इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास मुक्त मूलक बनता है ना, इस बंध में दो इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, समांश बंध विखंडन। और यहां पर C6H5CO डॉट ऐसे दो अणु बन जाते हैं मुक्त मूलक, हाँ या ना। अब देखो ध्यान से, जहां से बच्चा ये बंद वापस से समांश बंद विखंडन दर्शाता है, इस बंद का इलेक्ट्रॉन कार्बन पर और इसका कार्बन पर आ जाता है। क्या मेरी बात समझ में आई, क्या आ जाएगा? अब देखो ध्यान से, जैसे ही यहां इलेक्ट्रॉन आएगा इस पे डॉट, इस पे डॉट, अरे मजे आ गए इसके दो, क्या इसके मजे आ गए बच्चा, क्या इसके मजे आ गए। और यहां से निकल जाएगी बच्चा दो मोल CO2, क्योंकि दो लगा हुआ है। और यहां पर क्या बच गया, C6H5, इस बेंजीन वाले कार्बन पर डॉट आ जाएगा, फेनिल मुक्त मूलक बन जाएंगे दो। अब यह फेनिल मुक्त मूलक एल्कीन के ऊपर आक्रमण करता है, यही तो पढ़ा है कि भैया जैसे ही वहां पे आक्रमण कर बनता है मुक्त मूलक, वो एल्कीन के ऊपर आक्रमण करता है, यहां पे भी आक्रमण करेगा, अभिक्रिया चलने लगी। तो यहां पर ये प्रारंभन पद हो गया, आरंभन पद। अब देखो दूसरा पद, श्रृंखला संचरण पद। इस श्रृंखला संचरण पद में होता क्या है बच्चा, कि जो प्रथम पद में बना हुआ फेनिल मुक्त मूलक, प्रथम पद में बना हुआ फेनिल मुक्त मूलक, वो एल्कीन अणु पर आक्रमण करता है। याद हो बच्चों आपको, जब एक मुक्त मूलक किसी अणु पर आक्रमण करेगा तो उसमें भी क्या बनवाएगा, मुक्त मूलक बनवाएगा। अब देखो ध्यान से, इसका ये पाईबंध टूट गया समांश बंध विखंडन के द्वारा, टूट गया, तो इस बंध में दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इस पर, एक इलेक्ट्रॉन इस पर चला जाएगा, गया। क्या यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आया, मेरे मन को भाया, मैंने इलेक्ट्रॉन लेकर खाया, इस वाले का क्या होगा, ये बचा रहेगा। तो देखो ध्यान से, यह C6H5 इस वाले के CH2 के साथ जुड़ जाएगा, ये वाला बच गया, थोड़ा क्या बड़ा मुक्त मूलक बन गया, बना कि नहीं बना। और ये वापस फिर बड़े वाले के ऊपर आक्रमण करेगा ऐसे, यहां पर अगर मैं लिख दूं NCH2 डबल बॉन्ड CH2 लिख दिया, तो वापस से इसमें मुक्त मूलक बनेगा। तो देखो ध्यान से, C6H5CH2 फिर CH2 फिर CH2, ऐसे बनते जाएंगे। क्या ये चेन आती जाएगी, तो कोई दो को पकड़ लो, इनका रिपीटेशन करवा दो और यहां पर डॉट। क्या ये एक बड़ा मुक्त मूलक बन गया, यस और नो? ऐसे बहुत सारे बने होंगे, बहुत सारे, उसमें से दो बड़ी श्रृंखलाएं लेंगे, उनको आपस में जोड़ देंगे, खत्म बात। समझ में आया क्या, ये समझ में आया क्या, क्या ये दो मोल थे, ये आपके दो बने थे ना, दो फेनिल बने थे बेटा, जैसे यहां दो बने, तो एक ने ये अणु बनाया तो दूसरे ने बनाया होगा। तो अब देखो ध्यान से, लास्ट में श्रृंखला समापन पद,
यहाँ पर देखिए, एक C6H5CH2CH2CH2 डॉट दूसरे वाले अणु के साथ जुड़ेगा CH2 डॉट CH2CH2 होल एन C6H5, इनके बीच में अभिक्रिया हो। फाइनली दोनों आकर के जुड़ गए। किस तरीके से? यहां पर ये इधर और ये इधर, बहुत लंबे दूरी पर है ये, बहुत ही लंबी दूरी पर बच्चा, बहुत ही लंबी दूरी पर। इधर CH2CH2, इधर बहुत सारे CH2CH2, फिर कोने पे हो तो ठीक है, वहां तक जाने की जरूरत ही नहीं है। आपको यहाँ पे दिख जाएगा CH2CH2CH2, ऐसा बहुत बड़ा रिपीटेशन, ठीक है ना। ये बीच वाली से नजना रिपीट होती रही, यही कहलाएगा आपका पॉलीथीन। क्या मेरी बात समझ में आई? तो इस तरीके से यहां पर पॉलीथीन बनता है। कैसे बनता है? ऐसे बनता है बच्चा पॉलीथीन। समझ आया क्या? एक एक बात क्लियर हुई क्या? सारी बातें अच्छे से समझ में आई क्या? बोलू, क्लियर है? तो ऐसे बन जाएगा। सबसे पहले क्या होगा, इसमें समांश बंध विखंडन होगा, फेनिल मुक्त मूलक बनेगा। वह क्या करेगा? एल्कीन के एक अणु पर आक्रमण करेगा, फिर उससे बड़ा मुक्त मूलक, फिर वह बनने वाला मुक्त मूलक और एल्किनों पर आक्रमण करेगा, और बड़ा मुक्त मूलक, है ना। ठीक है, इस प्रकार से ये अभिक्रिया चलती जाएगी, और फिर अंत में क्या होगा, दोनों मुक्त मूलक आपस में जुड़ जाएंगे, पॉलीथीन बन जाएगा। ठीक है, और पता है जब आप आगे फर्दर स्टडीज करते हो बच्चों, जब आप आगे स्टडी करते हो इन केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, रिसर्च करते हो, तो वहां पे पॉलीमर की एक अलग ही ब्रांच आती है, ठीक है, अलग ही ब्रांच होती है, अलग ही बुक होती है पॉलीमर नाम की। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो उसमें आपको बहुत सारी चीज सिखाई जाती है फिर, कि भैया ये कैसे अलग करते हैं, इसमें अलग अलग तरह के पॉलीमर बनते हैं, वो आगे की बात है, बस हमें तो इतना समझना है। क्या मेरी बात समझ में आई? ओके, क्लियर। तो ये बातें हमने देखी। अब देखो ध्यान से आगे बढ़े, उससे पहले कुछ छोटी बातें मैं आपको और बता दूं, जैसे कि देखो ध्यान से यार, एक छोटी बात कुछ और है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो क्या है, योगज बहुलक भी वापस से क्लासिफाई किए जा सकते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, एक लक इकाई के आधार पर योगज बहुलक दो प्रकार के होते हैं, पहला समबहुलक, जब बहुलक का निर्माण एक ही प्रकार की एकलक इकाई से हो, जब योगज बहुलक का निर्माण एक ही प्रकार की एकलक इकाई के द्वारा हो, समबहुलक कहलाता है। जैसे कि देखो पॉलीथीन बनाया था बेटा, देखो उदाहरण, हम छोटे छोटे उदाहरण लिखेंगे बेटा। जैसे कि देखो ध्यान से, यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके N अणु ले लिए, ठीक है, तो इसका क्या करवा दिया, बहुलीकरण करवा दिया। क्या करवा दिया? बहुलीकरण करवा दिया, तो क्या बन गया, पॉलीथीन बन गया। CH2 ऐसी कई सारी इकाइयां जुड़ती गई, ये बन गया बेटा पॉलीथीन।
क्या बन गया, पॉलीथीन बन गया, समझ में आया। इसी तरीके से बच्चों अगला उदाहरण CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CL, ऐसी N इकाइयां लगा दी मैंने, क्या किया H हटा करके CL लगा दिया, बस इतना ही किया, H हटा करके CL लगा दिया। इसे कहा जाता है वाइनिल क्लोराइड, इसे क्या कहा जाता है वाइनिल क्लोराइड, CH2 CH और CL क्या कहलाता है वाइनिल क्लोराइड। इसका भी क्या करवा दिया पॉलीमराइजेशन करवा दिया, इसका भी क्या करवा दिया पॉलीमराइजेशन, ऐसे इन अणु जुड़ते जाएंगे, इधर CH2 फिर यहां CH, इधर ये जाता जाएगा नीचे CL, ऐसी इन इकाइयां रिपीट होती जाएगी, जिसे ही कहा जाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसे ही कहा जाता है बच्चा पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्लोराइड इन शॉर्ट PVC, इन शॉर्ट PVC क्या कहा जाता है PVC। अच्छा अब देखो ध्यान से, अगर मैं यहां पर H हटा करके, अगर मैं यहां पर H हटा दूं और यहां पर CN लगा दूं, तो इसे कहा जाता है एक्राइलोनाइट्राइल, इसे कहा जाता है एक्रिलोनाइट्राइल, एक्राइलो या एक्रिलोनाइट्राइल, ठीक है। इसका बहुलीकरण करा दिया सेम ऐसे ही, देखो ना क्या एक ही अणु का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, तो यहां पर भी बच्चों ये एक इधर टूटेगा, फिर ये एक बंद इधर टूटेगा, नीचे CN आ जाएगा, इसका रिपीटेशन, तो क्या बन गया एक्रिलोनाइट्राइल से पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, पॉलीएक्रिलो या पॉलीएक्राइलो, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल ऐसे बन जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई, क्या ये सबहुलक है या सम है, सम बहुलक है, सबहुलक जब दो अलग अलग अणु होंगे, ठीक है इतना देख लिया। अगला देख लो, एक और उदाहरण देख लो बच्चा, जैसे कि देखो ध्यान से, अगर मैं N यहां पर CF2 डबल बॉन्ड CF2 लू, टेट्राफ्लोरो एथीन, इसे कहा जाता है टेट्रा फ्लोरो एथीन ले ले में, और इनका अगर हमने क्या करवा दिया पॉलीमराइजेशन करवा दिया, तो क्या बन जाएगा टेट्रा फ्लोरो पॉली टेट्रा फ्लोरो एल्केन। देखो ध्यान से, ये फ्लोरीन वहीं के वहीं, ये वाला भी वहीं का वहीं, ये वाला भी वहीं का वहीं, ये इधर बढ़ेगा ये इधर बढ़ेगा, ऐसे एन पॉली टेट्रा फ्लोरो एथेन बनेगा बच्चों, जिसे ही टेफ्लोन कहा जाता है, जिसे ही टेफ्लोन कहा जाता है, इसी को कहा जाता है टेफ्लोन, और पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल इसे कहा जाता है पान, क्या कहा जाता है बच्चों पान कहा जाता है, या इसका एक और नाम होता है ओरलोन इसे कहा जाता है। उम्मीद है ये चारों के चारों उदाहरण आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, जहां पर एक ही अणु का रिपीटेशन हो रहा है, ये एथीन से बन गया पॉलीथीन, वाइनिल क्लोराइड पॉलीवाइनिल क्लोराइड, एक्रिलोनाइट्राइल पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, टेट्राफ्लोरो एथीन टेट्राफ्लोरो वो बन गया एथीन। समझ में आया क्या सब बच्चों को, एक एक बात समझ में आई क्या? तो यह बातें आपको अच्छे से आनी चाहिए, एक एक बात को अच्छे से समझ में आना चाहिए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारी बातें आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं अगर ढंग से पढ़ेंगे तो, वरना कुछ भी नहीं हो पाएगा। क्लियर है, क्या यह बात क्लियर हुई बच्चा? अब दूसरे देखो सहबहुलक, दूसरा देखो सहबहुलक, हाँ जी। अच्छा इसको ए ना लिखें, यहां पर एक ना लिखें, इसको ऐसा कर लो आप ए लिख लो ए, वरना पता नहीं चलेगा, कंफ्यूज हो जाओगे, यहां लिख लो बी समबहुलक। अच्छा सहबहुलक यहां आएगा ना, सहबहुलक जब बहुलक का निर्माण दो अलग अलग एकलक इकाइयों से हो, जब जब बहुलक का निर्माण दो अलग अलग एकलक इकाइयों से हो,
जब बहुलक का निर्माण दो अलग अलग जब बहुलक का निर्माण अलग 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 एक लख इकाइयों से हो तो उसे सह बहुलक कहा जाता है। सह बहुलक कहा जाता है क्या कहा जाता है सर? जब जुड़ने वाली अलग अलग, जैसे कि काला पेन ये सफेद पेन, इनको जोड़ दो, अलग अलग इकाई है, काले 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 काले, सफेद 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 सफेद, सहबहुलक, ये सहबहुलक, काला सफेद काला सफेद काला सफेद, सहबहुलक। समझ में आया? जैसे कि देखो ध्यान से यहाँ पर आई क्लियर है। देखो इसका उदाहरण ब्यूना एस बनता कैसे है बच्चों? ध्यान से देखिएगा, एक होता है 1,3-ब्यूटाडाइईन, ब्यूट मतलब चार कार्बन, डाई मतलब 1,3 पहले और तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड, बाकी पे एच लगा दो, CH2, CH, CH, CH2, ये हो गया 1,3-ब्यूटाडाइईन, 1,3-ब्यूटाडाइईन, और इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है स्टायरीन के साथ। किसके साथ? स्टायरीन के साथ। अब बच्चों देखो ध्यान से, यहां पर मैं स्टायरीन तो लिखवाया नहीं, मैंने इधर दिखा देता हूँ। स्टायरीन होता क्या है बच्चा? जैसे यहाँ पे CN लगाया, यहाँ CL लगाया, वहां पर फेनिल लगा दो, फेनिल बेंजीन वाले, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, PH, बस ये PH लगा दो, यही कहलाता है स्टायरीन। इन दोनों के बीच में आप बहुलीकरण करा दो N अणु लेकर के, इसके N अणु ले लो, इसके N अणु ले लो। अब देखो खास बात, यह डबल बोन भी टूटेगा, ये भी टूटेगा, ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, तो इसके इसके बीच में डबल बोन बन जाएगा बेटा। देखो दोबारा से देख लो, दोबारा से देखिए बच्चा, ये डबल बोन टूटेगा, ये डबल बोन टूटेगा, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, समांश बंध विखंडन, यहाँ पे भी समांश बंध, इसका इलेक्ट्रॉन इधर, इसका इधर, तो इसका वाला और इसका वाला ये जुड़ जाएंगे ना आपस में, बीच में डबल बोन बन जाएगा, ये वाला इससे जुड़ेगा और ये वाला इसी तरीके से आगे जुड़ रहा होगा। देखो ध्यान से होगा क्या, ये CH2 आगे जुड़ जाएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है CH, ये CH इस CH से जुड़ जाएगा डबल बोन के द्वारा, ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा बच्चा CH2, ये CH2 इस CH2 के साथ जुड़ेगा, जिससे क्या जुड़ा हुआ है एकल बंध, और यहाँ CH ये आगे और यहाँ जुड़ गया PH, इसका रिपीटेशन होता जाएगा। देखो ये चार कार्बन पहले वाले के, ये दो कार्बन पीछे वाले के, ऐसे N अणु जुड़ते जाएंगे, यही कहलाता है बच्चों आपका पॉलीस्टायरीन, क्या इसी को कहा जाता है ब्यूना एस, यही कहलाता है ब्यूना एस। कोई दिक्कत है? बोलो, अब तो नहीं लगता कोई दिक्कत है? अरे बहुत आसान है यार, दिक्कत की कोई बात ही नहीं है इसमें तो, बोलो क्लियर। अब देखो ध्यान से, ये पहला उदाहरण, दूसरा ब्यूना एन नाइट्राइल, हाँ जी वही 1,3-ब्यूटाडाइईन ले लिया, इसकी अभिक्रिया स्टायरीन की जगह नाइट्राइल ले लो, एक्राइलो नाइट्राइल या एक्रिलो लिख दो कोई बात नहीं, एक्राइलो नाइट्राइल, ये 1,3
ब्यूटाडाइन, इन दोनों के बीच में अभिक्रिया करवाएंगे। अरे इन दोनों के बीच में अभिक्रिया करवाएंगे, जरूर करवाएंगे। तो जिससे क्या होगा, इसके भी एन अणु लेने हैं, इसके भी एन अणु लेने हैं, ये इधर जुड़ेगा, बस यहाँ सी एन नीचे लटक जाएगा, क्योंकि देखो सी एच टू, फिर सी एच डबल बॉन्ड सी एच, ये सी एच टू, ये वाला सी एच टू इस अगले सी एच टू के साथ जुड़ेगा, इससे सी एच जुड़ा हुआ, ये बंद इधर नीचे साइनाइड है, इसका रिपीटेशन होता है, ये कहलाएगा ब्यूना एन, ब्यूना एन, दिस इज ब्यूना एन, दिस इज ब्यूना एस, ब्यूना एस, ब्यूना एन, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, क्लियर है या नहीं है, क्लियर है या नहीं है, बोलो बोलो, समझ आया सारी बातें, क्लियर है एक ही बार में, बहुत बढ़िया, यस और नो, क्लियर है बच्चा, बहुत बढ़िया। तो यह पहला उदाहरण, यह दूसरा उदाहरण, क्या मेरी बात समझ में आई, क्या मेरी बात क्लियर है, एक एक बात, एक एक पॉइंट समझ में आया क्या बच्चा? तो सारी बातें आपको अच्छे से समझनी होगी, एक एक बात को अच्छे से क्लियर करना होगा, तभी सारी बातें आप अच्छे से समझ पाएंगे, क्लियर है? अरे यस और नो, क्या मेरी बातें समझ में आई, क्या हर एक बात क्लियर हुई क्या? तो इस तरीके से इन बातों को आप अच्छे से समझ सकते हैं, क्लियर है? तो ये है बच्चों आपके सहबहुलक और समबहुलक। अब जैसे कि देखो ध्यान से, कुछ महत्वपूर्ण योगज बहुलक, अब कुछ महत्वपूर्ण योगज बहुलक देख लेते हैं। हाँ जी, जैसे कि आता है बच्चा अल्प घनत्व वाली पॉलीथीन, अल्प घनत्व मतलब जो बहुत ही पतली है, इसका घनत्व बहुत ही कम है, आपने इतना प्रेशर लगा दिया कि वो बिल्कुल पतली हो गई, महीन हो गई, बिल्कुल बारीक बारीक सी, ठीक है? हाँ जी, निर्माण परोक्साइड की उपस्थिति में मुक्त मूलक योगात्मक के द्वारा होता है, पढ़ाई हुआ है हमने, ठीक है? सामान्यतः अक्रिय एवं विद्युत की अल्प चालक होती है, पॉलीथीन क्या धारा का चालन करती है? नहीं करती, ठीक है ना, एक टाइप की प्लास्टिक है, इसका उपयोग विद्युत वाहक तारों के विद्युत रोधन में, ठीक है ना, जो तार होते हैं ना, तार उनके ऊपर चढ़ा होता है ना खोल, खोल बनाने में, निष्पीड़न बोतल और लचीले पाइपों के निर्माण में, निष्पीड़न ना जो निष्पीड़न बोतल होती है ना, बिस्लेरी की बोतल, पतली पतली बोतल, बिल्कुल बारीक बारीक से, वो बोतल्स बनाने में हम इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है? क्या मेरी बात समझ में आई? देखो ना ध्यान से कैसे बनता है, परोक्साइड हाई प्रेशर लगा दिया, ठीक है, इसको गर्म कर दिया, तो यहां पर ये जो पॉलीथीन है, सॉरी ये एथीन, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? पॉलीथीन में कन्वर्ट हो जाएगी, वो भी कौन सी? कम घनत्व वाली, कम घनत्व वाली। बच्चा आप ये ना सोचे कि सर कम और ज्यादा हमें कैसे दिखेगा, सब ये प्रयोग किए जा चुके, बस आपको तो ध्यान रखना है कि भैया ऐसे ऐसे होता है, इसका उपयोग ध्यान रखना। कम घनत्व वाली किसमें काम में आती है? विद्युत वाहक तारों के विद्युत रोधन में, तारों के ऊपर कोटिंग करने में काम में आती है, ठीक है ना, निष्पीड़न बोतलें बनाने में, लचीले पाइप बनाने में ये काम आते हैं। देखो क्या क्वेश्चन बन सकता है, पहला क्वेश्चन, पॉलीथीन किस प्रकार का बहुलक है? योगज बहुलक है। पॉलीथीन क्या सहबहुलक है? नहीं है, समबहुलक है, सभी इकाइयां एक जैसी, क्लियर है बच्चा? ओके, पॉलीथीन की एकलक इकाई का नाम क्या है? ये पॉलीथीन के उपयोग क्या है? बस यही क्वेश्चन बनते हैं और कुछ नहीं, ठीक है? अगला देखो, हाँ जी, उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, इसमें थोड़ी प्रेशर कम लगाओगे तो पतली कम बनेगी। निर्माण, यहां पर बस यही ध्यान रखिएगा, इसमें उत्प्रेरक थोड़ा अलग है, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और यहां पर एल्यूमिनियम ट्राइएथिल एल्यूमिनियम, इसे कहा जाता है जिगलर नाटा उत्प्रेरक। सुनो ध्यान से, सुनो
टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, टाइटेनियम क्या होता है टी आई, क्लोराइड सी एल, टेट्रा बोले तो टी आई सी एल फोर, क्या दिक्कत है। एथिल समूह क्या होता है सी टू एच फाइव, ट्राई लगा दो, तीन, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम होता है, इसी को कहा जाता है जिगलर नाटा उत्प्रेरक, जिगलर नाटा उत्प्रेरक, जिगलर नाटा उत्प्रेरक, जिगलर नाटा उत्प्रेरक, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड प्लस जिगलर नाटा उत्प्रेरक क्या कहलाता है, सॉरी टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और ट्राई एथिल एल्यूमिनियम कहलाता है जिगलर नाटा उत्प्रेरक, इसकी उपस्थिति में गर्म गण, बस बाकी सारी चीजें वही। रासायनिक रूप से अक्रिय अत्यधिक कठोर और दृढ़ होती है, इसका उपयोग थोड़ी अच्छी बोतल बनाने में किया जाता है, थोड़ी और अच्छी मोटी प्लास्टिक वाली बोतल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। देखो ध्यान, सेम वही रिएक्शन, वापस से मैं लिखूंगा, बस यहाँ पे लिख दूंगा मैं टी आई सी एल फोर प्लस सी टू एच फाइव होल थ्राइस एल, जिगलर नाटा उत्प्रेरक, इन दोनों के ये एथीन, इनकी अभिक्रिया करवाएंगे, यहां बन जाएगा आपके सेम यही। उच्च घनत्व वाले उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन, ठीक है। जब यहां पे ये ले लेंगे थोड़ा लो प्रेशर, उसकी तुलना में थोड़ा कम, ठीक है ना, ताकि थोड़ा मोटा ही रहे इसमें अच्छे से। ओके बच्चों, क्लियर है? हाँ जी। अब देखो यार, ये बात की बात है, टेट्राफ्लोरोएथेन, चलो इन दोनों को भी देख लेते हैं, पॉलीविनाइल देख लेते हैं, फिर सहबहुलक ये बाद में देखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, यहां तक देख लेते हैं, बहुत ही आसान आसान टॉपिक है, एक बार इनको भी कब निपटा लेते हैं। हाँ, अब देखो टेट्राफ्लोरोएथेन या टेफ्लोन, टेफ्लोन पढ़ाया था मैंने आपको अभी अभी, टेफ्लोन के बारे में बच्चों मैं आपको बता दूं क्या होता है टेफ्लोन। देखो ध्यान से, टेफ्लोन बनाया जाता है सी एफ टू डबल बॉन्ड सी एफ टू, टेट्रा फ्लोरो इथेन के बहुलीकरण से, जब इसका बहुलीकरण करवाया जाता है परोक्साइड की उपस्थिति में, तो यहां पर इसके ये डबल ये वाला बंद टूट जाता है, ऊपर फ्लोरीन है ही सही, नीचे फ्लोरीन है ही सही, ये इधर बढ़ेगा, ये इधर बढ़ेगा, इसी को कहा जाता है पॉली टेट्रा फ्लोरो इथेन, एथीन एथीन इससे बना है ना, टेट्रा फ्लोरो एथीन। अच्छा, वहां भी तो गलत नहीं लिख दिया अपन ने, टेट्राफ्लोरो एथीन एथीन, पॉली टेट्राफ्लोरो एथीन आएगा यहाँ पर। ओके, क्लियर। अब देखो ध्यान से बच्चा, यहाँ पर ये बन गया पॉली टेट्राफ्लोरो एथीन। ओके, ये बन गया, इसका उपयोग नॉन स्टिक, बिना चिपकने वाला नॉन स्टिक कुकवेयर बर्तन, खाने के बर्तन बनाने में किया जाता है, किया जाता है। अगला देखो, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल पान, जो हम जानते ही पान, यहां पे क्या जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN, ये एक्रिलोनाइट्राइल होता है, इसके N अणु ले लो, इसका परोक्साइड की उपस्थिति में क्या करवा दो, बहुलीकरण करा दो, ठीक है। तो यहां पर ऐसे N अणु मिल जाएंगे, ऐसा रिपीटेशन होगा, ठीक है, ये बन जाएगा पॉली एक्राइलो नाइट्राइल, इसी को कहा जाता है पान,
ठीक है ओके, ये कहा जाता है और इसी को ओरलोन भी कहा जाता है। देखो ध्यान से, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल का उपयोग ऊन ऊन बनाने में, ठीक है ना, ऊन, जैसे कि आजकल ऊन के जैसे ही दिखने वाले ऊनी वस्त्र आते हैं बेटा, ठीक है जी ओके, प्रतिस्थापी रूप में औद्योगिक रेशे जैसे ओरलोन अथवा एक्रिलन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, तो इसे ओरलोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? इसे ओरलोन भी कहा जाता है। कभी कभी इसका नाम ओरलोन भी लिखा होता है, ध्यान रखिए। क्लियर है? बहुत ही आसान है, बहुत ही छोटे टॉपिक है, इसलिए मैंने कि इसको कर ही लेते हैं, खत्म ही कर लेते हैं। ओके क्लियर। और देखो यहां पर पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये भी बरसातियां बैग बनाने में, वाइनिल फर्श, वो नहीं होते पैराशूट, मतलब ये ठीक है ना, सर्दी गर्मियों में बारिश से बचने के लिए, ठीक है, बनाते हैं अपन रेनकोट, रेनकोट हाँ, बरसातियां बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, पाइप बनाने में यूज किया जाता है। कैसे बनाते हैं? पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी, विनाइल क्लोराइड ले लो, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CL, इसके एन अणु ले लो, ये वाइनिल क्लोराइड या विनाइल क्लोराइड इंग्लिश में कहा जाता है, वाइनिल क्लोराइड, ठीक है। इसका आप क्या करा दो, परोक्साइड की उपस्थिति में बहुलीकरण करवा दो, तो बस यहां पे रिपीटेशन होता जाएगा। CL आएगा ना, CL, यही कहलाता है बच्चा आपका पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्लियर है? ओके हाँ जी। अब इसके बाद यहां पर ये सारे बहुलक जो हमने देखा था बच्चा, अच्छा ये सहबहुलक, सहबहुलक भी देख लेते हैं एक दफा, ठीक है, सहबहुलक भी हम देख लेते हैं। तो दो भिन्न प्रकार के एकलकों के योगात्मक उत्पाद से बनने वाले बहुलक कहलाते हैं सहबहुलक, जिसके उदाहरण हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, ब्यूना एस और ब्यूना एन आदि, ये इसके उदाहरण। तो इसी के साथ बच्चों हमारा योगज बहुलक कंप्लीट। क्या टाइम लगा इसमें मुझे बताओ? कभी भी आपको ये चैप्टर बोरियत लगेगा ही नहीं, बहुत ही सिंपल है, बोरियत जैसे कोई बात ही नहीं है, और इतना ज्यादा गहन दिमाग लगाना भी नहीं है इसमें, ज्यादा दिमाग लगाओगे उल्टा नुकसान करोगे, तो कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, बिना दिमाग के इसको पढ़ते जाओ, ठीक है। अब इसके बाद ये संगणन बहुलक, ये हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है ओके। ये बाकी का सारा पार्ट हम करेंगे बच्चों अगली क्लास में, ओके जी। तो बच्चों उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा, समझ में आया होगा। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा? आज के लेक्चर में बच्चों हमने ये देखा कि किस प्रकार से बहुलक होते हैं, उनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है, और उनके उदाहरण क्या क्या है, कुछ तो हमने देखे। क्लियर? अब करते हैं क्वेश्चन क्विज, और जिसका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, थोड़ा ट्राई कीजिएगा बच्चों इसमें अच्छे से। निम्न में से कौन सा श्रृंखला वृद्धि बहुलक है? एक ही प्रश्न है, एक ही मतलब एक ही क्विज़ है बच्चा, हाँ जी। तो निम्न में कौन सा श्रृंखला वृद्धि बहुलक है? किसमें श्रृंखला में वृद्धि होती है? पॉलीस्टाइरीन, प्रोटीन, स्टार्च या न्यूक्लिक अम्ल? बताओ बच्चों, बताइए कौन सा श्रृंखला वृद्धि बहुलक है? ऑप्शन नंबर एक, दो, तीन या चार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस बहुलक में एस्टर बंधन पाया जाता है? ठीक है, थोड़ा आगे का हो गया, कोई बात नहीं, हम इसको देख लेंगे अगले लेक्चर में, लेकिन एक बार आप ट्राई करो, शायद आपने पढ़ा हो। हाँ जी, किसमें एस्टर बंधन पाया जाता है? ठीक है बच्चा, किसमें एस्टर बंधन पाया जाता है बोलो? नायलॉन 6-6 में, पीवीसी में, टेरिलीन में या ब्यूना एस में? क्लियर? आओ बात करें दोनों प्रश्नों के आंसर के बारे में। तो बेटा देखो, पॉलीस्टाइरीन श्रृंखला वृद्धि बहुलक होता है, योगज बहुलक अभी बनाया, ठीक है ना, सह बहुलक का ये उदाहरण होता था, सम बहुलक का ये उदाहरण होता था। प्रोटीन जब जुड़ती है तो बेटा क्या बनता है? पेप्टाइड बंध बनता है, सरल अणु निकलता है, H2 निकलता है। स्टार्च में भी H2 निकलता है। न्यूक्लिक अम्ल भी जब मिलते हैं बेटा, पेप्टाइड, जब फॉस्फोरस बंध फॉस्फेट समूह जुड़ता है तो वहां से भी जल निकलता है। तो यहाँ पर ये सारे के सारे संगणन बहुलक है, और जबकि ये एक
योगज बहुलक है, ठीक है ना, श्रद्धा श्रृंखला वृद्धि बहुलक है। एस्टरबंध, बच्चा एस्टरबंध पाया जाता है टेरिलीन में। पीवीसी में कोई बंध होता ही नहीं, इसमें कोई बंध होता ही नहीं, इसमें नॉर्मल बंध होता है, इसमें होता है एमाइड बंध। यम पढ़ेंगे और इसमें होता है एस्टर, ठीक है, क्लियर, ओके। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, ये तीनों बातें देखी, परिचय देखा, बहुलकों का वर्गीकरण देखा, कुछ बहुलकों का विरचन देखा। अगली क्लास में क्या देखेंगे, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे बच्चों संगनन बहुलकों के बारे में, संगनन बहुलकों के बारे में कुछ और बहुलक देख लेंगे, ओके। सिंपल है, बहुत ही सरल है ये चैप्टर, आपको जरा सी भी दिक्कत नहीं आएगी बच्चा इस चैप्टर में, ओके, क्लियर। तो उम्मीद है बच्चों आप सभी को आज का ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, एक एक बात अच्छे से क्लियर हुई होगी, ओके जी। तो इस लेक्चर को हम यहीं पर एंड करते हैं, आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।